मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास दारागंज में संगम तट के पास भगवान बैनी माधव का भव्य विशाल मंदिर सुशोभित है। श्री बैनी माधव को ही प्रयागराज का प्रधान देवता भी माना जाता है। प्रयागराज के 12 माधव मंदिरों में सर्व प्रसिद्ध श्री बैनी माधव जी का मंदिर दारागंज के निराला मार्ग पर स्थित है। यहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आकर्षक मूर्तियाँ हैं। प्रयाग में 12 माधव देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन दारागंज में संगम के करीब बैनी माधव मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में वर्णन के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रयाग की धरती पर जब यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने प्रयाग की सुरक्षा हेतु भगवान विष्णु से प्रार्थना कर उन्हें 12 स्वरूपों की स्थापना करवाई थी। दारागंज में सालिग्राम शिला निर्मित श्याम रंग की माधव प्रतिमा इनके गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर में सालिग्राम शिला निर्मित श्याम रंग की माधव प्रतिमा सभी का मन मोह लेती है। मान्यता है कि गुरुवार को कोई भी भक्त अपनी मुराद लेकर अगर बैनी माधव मंदिर आता है तो उसकी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सभी मुराद पूरी करते हैं। प्रयागराज में 12 सर्वप्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर भगवान बैनी माधव जी का है। प्रथम यज्ञ हुआ था प्रयाग में, इसलिए यहाँ का नाम प्रयाग है। तो जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया, जब सृष्टि की रचना हुई तो यहाँ पे यज्ञ किया, उसके बाद विष्णु जी को जो पालन करता है उन्हें कहा, वो मतलब निद्रा में थे, उन्होंने कहा कि आप अब अपनी निद्रा से उठिए और पालन करिए, सृष्टि का रचना तो हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इस प्रयाग की धरती पे बैनी माधव जी के रूप में विराजमान होंगे। तो एक तो ये कथा है जो मतलब लिखी हुई है रामायण और अलग अलग जगहों में, और एक किंवदंती है कि माना जाता है कि त्रेता युग में एक गजकर्ण नाम का राक्षस था जो बहुत ताकतवर हो गया था और सब लोगों को जीत लिया था, फिर थोड़ा लेकिन प्रसन्न नहीं रहता था। तो क्या हुआ कि सब एकदम पूरे में त्राही त्राही थी, जैसे राक्षस लोग करते ही हैं। तो फिर उसके बाद तो सब लोग विष्णु जी के पास गए कि आप बताइए, आप पालन करते हैं तो आप बताइए कि इसका क्या वो हो सकता है, कि कैसे इनसे निजात पाया जाए। तो विष्णु जी ने कहा कि नारद जी को उनके पास भेजिए और थोड़ा कुछ जानिए उनके बारे में। तो नारद जी जब उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि वो प्रसन्न बिल्कुल नहीं है, भले उसके पास बहुत ताकत है और बहुत मतलब सब जगह त्राही त्राही मचा रखा है, लेकिन वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो नारद जी ने, क्योंकि वो कुद्रूप था और भी कई बीमारियां थी उसको, तो नारद जी ने उससे कहा कि आप जाइए प्रयागराज में संगम नदी है, संगम है, तीन नदियों का संगम है, तो वहां पे आप जाके स्नान करेंगे तो आपकी जितनी भी मतलब रोग हैं, जितने भी दुख हैं, पाप हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। तो वह यहाँ आया, उसने स्नान किया, उसका सब नष्ट हो गया, वो सुंदर हो गया और उसके सारे पाप धुल गए। तो उसने सोचा कि अगर ये संगम उसके लोक में हो तो सब खुश होंगे। तो वो तीनों नदियों को पी गया, फिर जब पी गया तो जाने लगा तो पूरी सृष्टि जल विहीन हो गई, त्राही त्राही हो गई पूरे में। तो सबने कहा कि महाराज अब आप कुछ रक्षा करिए। तो विष्णु जी ने कहा कि हम माधव जी का रूप लेके पधारेंगे और इससे लड़ाई करेंगे। तो वो पधारे और फिर उससे 3 दिन तक युद्ध चला। फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो जब सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन उन्होंने काटी तो गंगा जी और यमुना जी तो निकल आई और सरस्वती जी को वो बचा गया था। इसीलिए सरस्वती जी को माना जाता है कि जब माघ का महीना होता है तो भजन कीर्तन इसी को सरस्वती के रूप में माना जाता है। तो यहाँ ये ही कथा है यहाँ की। फिर उसके बाद हाँ एक ये भी है कि मतलब माधव जी जब जाने लगे लड़ाई करने के बाद,
तो सब मतलब त्रिवेणी जी ने कहा कि अब आप चले जाएंगे तो फिर कोई आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रयाग में 12 माधव के रूप में प्रकट होंगे, और कई माधव तो अभी भी हैं और कई माधव तो जगहीन हो गए हैं, तो बेणी माधव जी मतलब मुख्य हैं उन 12 माधव में। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं पंडित जी? श्रद्धालु यहाँ पे भारत में जितने मतलब हर जगह से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं और बाहर से भी आते हैं, जैसे कई मतलब महाराज जी थे तो उनके कई बाहर भी शिष्य थे तो वो सब भी आते हैं, तो मतलब बहुत। सबसे ज्यादा मंदिर में कब भीड़ होती है पंडित जी? आज के दिन, आज गुरुवार है, गुरुवार को दिन माना जाता है कि विजय दिवस था, जब लड़ाई की है तो गुरुवार के दिन उन्होंने विजय पाई थी, इसीलिए गुरुवार का दिन बहुत मतलब वैसे भी विष्णु जी का ही दिन होता है गुरुवार का दिन और विजय दिवस है तो भीड़ होती है, और एकादशी के दिन भी बहुत भीड़ होती है। बेनी माधव के भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि प्रयाग में रहना है तो माधव माधव कहना है, पर यह है कि तीन श्लोक हम मतलब एक श्लोक बोलते हैं हम लोग तीन बार, जिससे माना जाता है कि कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके पहले आप वो बोल देंगे तो वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। माधो सकल काम साधो, माधो सकल काम साधो, माधो सकल काम साधो। बहुत गुरुवार को यहाँ पे आती हूँ पूजा करने के लिए, और बेनी माधव जी की कृपा से हमारे हर काम सही हो रहे हैं, और प्रत्येक गुरुवार को मैं यहाँ पूजा करने के लिए आती हूँ। मैं प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ माधव जी का, और ये इलाहाबाद का प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन प्राचीन मंदिर है, और कहते हैं कि जिसको भी प्रयागराज में रहना है तो माधो सकल काम साधो, माधो सकल काम साधो, माधो सकल काम साधो, ये वर्ड बोलना ही है। राखी, नीलम, अंजलि और नेहा के साथ उदय यादव प्रयागराज।